दादाजी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दो आदमी पौधे लगा रहे हैं। देखो, उन्होंने 10 पौधे लगा दिए हैं। दादाजी, ये पौधे क्यों लगा रहे हैं? पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाएंगे। सभी पेड़ हमें छाया देंगे, अनेक फल देंगे, चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। दादाजी, मैं भी एक पौधा लगाऊंगी, फिर वह भी बड़ा सा एक पेड़ बन जाएगा। ठीक है। दादाजी ने ऋतु को पेड़ पौधों के लाभ बताए। अब मैं उन्हीं बातों से तुम सबको वचन सिखाऊंगा। दो आदमी, 10 पौधे, सभी पेड़, अनेक फल में 2, 10, सभी, अनेक शब्द एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। इसी तरह एक पौधा और एक पेड़ से एक वस्तु का बोध हो रहा है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आओ पहले एक वचन के बारे में जानें, जैसे केला, दरवाजा, घोड़ा, सीटी। केला, दरवाजा, घोड़ा और सीटी शब्दों से एक वस्तु अथवा प्राणी संख्या का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द एक वचन के उदाहरण हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। आओ बहुवचन के बारे में जानें। केले, दरवाजे, घोड़े, सीटियां। केले, दरवाजे, घोड़े तथा सीटियां शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं एवं प्राणियों का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द बहुवचन के उदाहरण हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आओ कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों के बारे में जानें। एक वचन, बहुवचन। संतरा, संतरे। गन्ना, गन्ने। घोड़ा, घोड़े। लड़का, लड़के। पंखा, पंखे। कपड़ा, कपड़े। आँख, आँखें। रात, रातें। सड़क, सड़कें। बूंद, बूंदें। गाय, गायें। बात, बातें। वस्तु, वस्तुएं। धेनु, धेनुएं। कथा, कथाएं। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। गाड़ी, गाड़ियां। थाली, थालियां। मक्खी, मक्खियां। टोपी, टोपियां। पहाड़ी, पहाड़ियां। तिथि, तिथियां। गुड़िया, गुड़ियां। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाते समय उनके साथ जन, गण, वर्ग, वृंद शब्द जोड़ते हैं, जैसे गुरु, गुरुजन। अध्यापक, अध्यापक गण। अतिथि, अतिथि गण। प्रजा, प्रजा जन। अधिकारी, अधिकारी वर्ग। पाठक, पाठक वृंद। वचन का क्रिया पर प्रभाव। वाक्य में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन होने का प्रभाव उनके साथ लगने वाली क्रिया पर भी होता है। संज्ञा यदि एक वचन है तो क्रिया का रूप भी एक वचन होगा, और संज्ञा यदि बहुवचन है तो क्रिया का रूप भी बहुवचन होगा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। मैंने गन्ना खाया, मैंने गन्ने खाए। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। तारा टिमटिमा रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। तुमने देखा कि एक वचन के वाक्यों में संज्ञा के साथ लगे क्रिया रूप दौड़ रहा है, खाया, पढ़ रही है तथा टिमटिमा रहा है हैं, और बहुवचन के वाक्यों में संज्ञा के साथ लगे क्रिया रूप दौड़ रहे हैं, खाए, पढ़ रही हैं तथा टिमटिमा रहे हैं बदले हुए रूप हैं। वचन का विशेषण पर प्रभाव।
वाक्य में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के एक वचन या बहुवचन होने का प्रभाव उनके साथ लगने वाले विशेषण शब्दों पर भी पड़ता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, सामने बड़ा पेड़ लगा हुआ है, सामने बड़े पेड़ लगे हुए हैं, गंदा कमरा साफ करो, गंदे कमरे साफ करो, मैंने मीठा आम खाया, मैंने मीठे आम खाए। तुमने देखा कि एक वचन के वाक्यों में आए विशेषण शब्द अच्छा, बड़ा, गंदा और मीठा बहुवचन के वाक्यों में प्रयुक्त होने पर क्रमशः अच्छे, बड़े, गंदे और मीठे रूप में परिवर्तित हो गए हैं। आदर व सम्मान देने के लिए एक वचन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ सदैव बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, नाना जी कल आएंगे, पिताजी सो रहे हैं, भगत सिंह अमर रहेंगे। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, तेल, मिट्टी, सोना, पीतल, लोहा। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, बाल। आओ दोहराएं। प्राण या वस्तु को एक या अनेक बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन होते हैं। एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन या बहुवचन में रहते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।